दो मैचों में मिली राष्ट्रीय टीम में जगह, एक मैच ने दिलाई पूरी दुनिया में शोहरत, एक बाउंसर ने बदल दी एक युवा की तकदीर, मोंटी देसाई के एक फैसले ने बदल दी नेपाल की बाजी, 17 साल का युवा बना नेपाल की जीत का हीरो, गुलशन के प्रताप ने नेपाल को एशिया कप पहुंचाया। कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। नेपाल में क्रिकेट की दुनिया में पदार्पण करने के साथ ही नेपाल के इस खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचान मिल गई थी। दुनिया का अकेला ऐसा खिलाड़ी है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में सिर्फ 2 ही मैच खेले और उसकी एक बाउंसर ने उसे राष्ट्रीय टीम में जगह दिला दी। जी हाँ, नेपाल क्रिकेट के इस कोहिनूर का नाम है गुलशन झा। एसीसी प्रीमियर कप के फाइनल मुकाबले में जब नेपाल के 3 विकेट गिर गए तब गुलशन झा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। एक तेज गेंदबाज का बल्लेबाजी के लिए उतरना किसी को रास नहीं आ रहा था, लेकिन कोच मोंटी देसाई को अपने इस कोहिनूर पर यकीन था। उसने आते ही कहर ढाना शुरू कर दिया। आखिरकार 67 रन की नाबाद पारी खेलकर नेपाल को एशिया कप में एंट्री दिला दी। इस खिलाड़ी की राष्ट्रीय टीम में एंट्री की कहानी बेहद दिलचस्प है। 17 सितंबर 2021 को यूएसए के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी को महज 2 घरेलू मैच खेलने का अनुभव है। इन मैचों में फेंकी एक बाउंसर की वजह से राष्ट्रीय टीम में उसे जगह मिल गई। एक घरेलू मैच में गुलशन झा ने तेज गेंदबाजी करते हुए एक ऐसी बाउंसर फेंकी जिसे नाम मिला परफ्यूम बॉल। उस बाउंसर के बाद गुलशन झा इस कदर पॉपुलर हो गए कि उन्हें राष्ट्रीय टीम में बतौर गेंदबाज शामिल कर लिया गया। बड़े मैचों में अनुभवी खिलाड़ियों को खिलाया जाता है, लेकिन महज 16 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले गुलशन झा पर कोच मोंटी देसाई को इतना यकीन था कि उन्होंने दीपेंद्र सिंह एरी की जगह पर गुलशन झा को खिलाया और गुलशन ने निराश भी नहीं किया। अपने ओडीआई का सबसे बेस्ट स्कोर बनाते हुए 67 रन की नाबाद पारी खेली। गुलशन झा अपने ओडीआई करियर में 16 मैचों की 15 इनिंग्स में 313 रन बना चुके हैं, जबकि इतने ही मैचों की 13 इनिंग्स में 13 विकेट भी ले चुके हैं। यानी बात चाहे तेज गेंदबाजी की हो या फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, गुलशन झा दोनों में महारथी हैं। यही वजह है कि गुलशन झा न सिर्फ नेपाल क्रिकेट का हीरो बन चुका है बल्कि भविष्य की उम्मीद है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।